दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद इंडिया 18 न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। कल रात 11 बजे के आसपास एक कत्ल की वारदात पेश आई जो एमएस मख्ता खैरताबाद में पेश आया। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट में ये कत्ल की वारदात पेश आई। तमाम जायदाद के मसले में अपने ही खलेरे भाई को अपने ही खलेरे भाई ने कत्ल कर दिया। आइए नज़र डालते हैं खसूसी रिपोर्ट पर और बात करते हैं मकतूल के बड़े भाई से जो इस कत्ल की वजूहात बता रहे थे। देखते रहिए इंडिया 18, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई ये मेरे भाई के ऊपर जो वार हुआ, जो पहले कहाँ गए मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन जब फ़ोन मालूम हुआ ये सब वार हुआ बोल के भाग लेते लेके आए तक वहाँ पर एक जना चाकू लेके आ रहा था, उसमें चार जने हैं, उसमें उनका नाम है फ़हीम है और महबूब, शेख महबूब और अड्डू रहीम है और शेख महबूब है, शेख महमूद है, तीन जने हैं और उसके साथ पाँच छः जने और थे। आपके भाई का नाम क्या? मेरा मोहम्मद अजहर है, मेरे भाई का नाम, मतलब छोटा भाई। ये जाती दुश्मनी है, घर की प्रॉपर्टी के लिए लोग कर्जा करने के चक्कर में थे पहले से, वो तो बहुत हो गई है मसले। किसकी है प्रॉपर्टी? ये हमारे नाना वगैरह दिए सो है, एक रूम वगैरह दिए थे हिस्से में, तो उन्होंने हमारे छोटे आंटी का भी रूम अति अत्याधी है। कब से चल रहा है झगड़ा? ये कम से कम 3 से 4 साल के ऊपर हो गया। राजभवन मख्ते में, राजभवन मख्ते में तो इनकी कुछ इससे पहले भी लड़ाई हुई? वो तो खुद हुए। ये कंप्लेन हुई थी, कंप्लेन नाम ही हुए लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। पैसे गिरा के वगैरह कुछ। कौन से पीएस में करे थे कंप्लेन? पंजागुट्टा से। पहले लास्ट बार कब हुआ था अटैक? इससे पहले कम से कम 10 महीने कुछ हो रहा। आप लोग जब करे थे कंप्लेन? कैसा भी मसला, किसी के भी नाम मेरे तो मेरे भाई का नाम इन्वॉल्वमेंट करके वो करते थे। क्या एज थी इनकी? 25। क्या काम करते थे ना? सोफा मेकर थे। शादी से जाते हैं? हाँ जी, और शादी से 9-8 महीने हो रहा था शादी। कितने जने मिल के मारे? 5-6 जने थे सब, पब्लिक ज़्यादा थे लेकिन कम से कम वहाँ पे निकले तो 5 जने जो जिसको मैं देखता हूँ इसे दुश्मनी इन लोगों की है। जी हाँ, मेरे पास पंजागुट्टा। जब आपके भाई निकले थे घर से जो के साथ गए थे या नहीं? अकेले गए थे सब, अभी कारखाने की बात करके आए थे, जाने वाले थे, जस्ट अब भी आ रहा हूँ भाई बोल के बोले, फ़ोन आया मैं अभी आता हूँ बोल के मेरे से मिलने के गए। मिलने के बाद एक 10 से 15 मिनट के बाद ये फ़ोन करे हमारे वालदा, किस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहा नहीं अभी से देख, तो आवाज़ आ रही थी वालदा बोले देख आवाज़ आ रही कुछ, मैं भाग लेते गए जना पुट्टा भाग क्या तुम्हारा भाई नीचे गिरवा ले लेंगे। क्या टाइम पे भाई? ये 11 बजे के टाइम तकरीबन 11:10-11:15 के टाइम पे। हमला करने वालों की रिश्तेदारी क्या है आप लोगों से? हमारे आंटी के बेटे, खास आंटी के, वही रिश्तेदार प्रॉपर्टी के मसले में तो झगड़ा हुआ था, कंप्लेंट करे थे आप लोग? जी हाँ कंप्लेंट करे थे मेरे भाई। कार्रवाई पुलिस की तरफ? कुछ भी नहीं, कैसा बोलता मतलब राड़ी शीटर ये इसका नाम बोल के उठा भी कंप्लेंट इनके नाम पे करे। बीच में हाल में मेरे से उससे बहस हुई थी औरतों के मसले में, जब भी हथियार निकाले थे मेरे ऊपर, इससे पहले मार के दांत तोड़ दिए मेरा। उसका हुआ था कंप्लेंट? हाँ कंप्लेंट हुआ लेकिन कुछ एक्शन कुछ भी नहीं हुआ मसला। बस जब भी आप लोग कंप्लेंट करें एक्शन नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ। आखिरी में फिर जैसे मसला ये हालत पर गई जैसे कि अब जान चले गई। अभी वहाँ से हर वक्त पुलिस वाले अभी तो नहीं मालूम, भाई को उठाया मेरे सीधा उस महीने को भाग गया। अब लोग इन्फॉर्म भी नहीं करे पीएस को? नहीं करे, पीएस से बात हुई, बात हुई मेरे से है ना पुलिस वाले, बात हुई। ये हमला करने वाले कितने लोग थे बोले? ये 5 जने थे। नाम क्या क्या है उनका? फर्स्ट तो शेख महबूब है और शेख रहीम है और शेख महमूद है, तीन भाई हैं ये और इसके दोस्ताना दोस्ते थे जिसके साथ। हाँ ये तीन जने सगे भाई हैं और इनके वालदा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पकड़ के लेके जा रहे चाकू, जब मेरे हाथ में मैं सामने यानी इतनी दूर का फासला है वो देखा हूँ, तो मैंने देखा कि लाइट लगा होगा, वैसे उठा लेके लेके मैं भाग लेते। उनके बहन है, उनके बहना भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि तकरीबन जगह पे यानी कपड़े फाड़ लेके वो करना ये करना तकरीबन चीज़ों पे कैसा इन्वॉल्वमेंट करते थे हर बार। कुछ गांजा वगैरह पीते थे? नहीं नहीं भाई, शराब की आदत थी मेरे भाई को खाली। तो कैसा है उनके पास? हाँ कैसा है। तो वो प्रॉपर्टी का जो बोल रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी छोटी है सर, वो हमारे नानी वगैरह दिए थे उसके अंदर, तो इन्हों हर चीज़ के वास्ते सरकार होती थी, रास्ते के बारे में तो कुछ डाल देना बच्चों के बीच में, तो हमारे छोटे आंटी का भी रूम उन्होंने कम पैसों में हथिया लिए। तो कहाँ पर है? राजभवन मख्ता। राजभवन की वजह प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी। थैंक यू।